हिमाचल सरकार और प्रदेश सचिवालय आरएसएस के रिमोट से चल रही है। भाजपा सरकार के कार्यकाल में शिक्षण और स्वास्थ्य संस्थानों में रिक्तियां बढ़ने से आम लोग प्रभावित हुए हैं। पिछली कांग्रेस सरकार के समय जो विकास के काम चले थे उन्हें भी पूरा नहीं किया जा रहा है। ये खुलासा रामपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान हिमाचल कांग्रेस के उपाध्यक्ष केहर सिंह खाची और अनुसूचित जनजाति आयोग के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं हिमाचल कांग्रेस महासचिव रवि ठाकुर ने किया। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष केहर सिंह खाची ने बताया कि विकास की तरफ जहां कांग्रेस को आगे ले जाना था वहां वर्तमान सरकार की वजह से पीछे की ओर धकेला जा रहा है। कोई भी खास पैकेज केंद्र सरकार से नहीं मिला है, ऐसे में कांग्रेस के पास भाजपा की नाकामियों के एक के बाद एक मुद्दे हैं। जनता जानती है चुनाव में इसका वे हिसाब मांगेगी। बड़ा हथियार तो जो पिछले चुनाव में 5 वर्ष पहले भारतीय जनता पार्टी ने जनता से जो वायदे किए थे उन वायदों पर भारतीय जनता पार्टी खरी नहीं उतरी। एक भी कोई ऐसा कार्य नहीं है जो जमीन पर हिमाचल प्रदेश की जनता को देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ा हथियार तो हमारे पास ही है और हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी विफल रही है। वहीं रवि ठाकुर ने बताया कि जनजातीय क्षेत्र से भाजपा अनदेखी कर रही है। हवाई उड़ानें सर्दियों में लोगों को नहीं मिली, लोग खासकर बीमारी से तड़पते रहे। रोहतांग टनल को इमरजेंसी खोलने की बात की जा रही थी, वो भी बिल्कुल बंद कर दिया गया, ना कि पब्लिक इंटरेस्ट में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये बहुत दुखद बात है। और जैसे कि पूरे प्रदेश के अंदर सड़कों के हाल बद से बदतर होते जा रहे हैं, मगर हमारे वहाँ जितने भी उड़ानें होती थी हेलीकॉप्टर्स की सर्दियों में, वो ना के मात्र हुई है। और हमारे जितने भी मरीज थे, इमरजेंसी थे, कर्मचारी अधिकारी, उन सबको बहुत ज़्यादा खमियाजा उठाना पड़ रहा है। और वहाँ के क्षेत्र जो लोग हैं उनको भी बहुत मुश्किलों से जूझना पड़ रहा है, क्योंकि जितने भी वहाँ पे आने जाने की समस्या थी वो उनको या तो निजी हेलीकॉप्टर लेना पड़ रहा है जो कि लाखों में पड़ रहा है, या टनल से आते थे लोग तो टनल भी बंद कर दिया गया है। जबकि हमारे सांसद रामस्वरूप जी ने कहा था कि हर हफ्ते ये व्यवस्था की जाएगी और बस चलेगी टनल से, मगर वो बिल्कुल नहीं चली है। टनल तो बिल्कुल ही सील कर दिया गया, जबकि पिछले 2-3 सालों में टनल से इमरजेंसीज को भेजा जाया करता था। तो उस तरफ सरकार का मैं नहीं समझता हूँ कोई भी ध्यान है। और ख़ास तौर से हमारे जो वहाँ के मंत्री हैं, हमारे जो कृषि मंत्री हैं, उनके पास आईटी का भी विभाग है, उनके तो मैं समझता हूँ कि जितने भी हमको विभाग मिले हैं उसमें उसकी तो दुर्दशा ही हो गई है सभी विभागों की। क्योंकि एग्रीकल्चर में मैं कहूंगा जैसे आलू का और सेब के जो हमारे आदर्श हिमाचल के लिए रामपुर से विशेष नेगी की रिपोर्ट।